आज हम देखने वाले हैं कि पत्तियां खाने के बाद शुगर घटती है या बढ़ती है। तो चलिए आप दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज, डायबिटीज गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए चेक करते हैं। तो हमने सभी पत्तियां ले ली हैं, ये देख लीजिए। ये हमने सहजन का पत्ता लिया है जिसको ड्रम स्टिक बोलते हैं, ठीक है। ड्रम स्टिक, सहजन या सेवगा इसको बोलते हैं। फिर हमने आम की पत्ती ले ली है, दो पत्ती आम की ले लिया है। नीम की पत्ती ले ली, ठीक है, दो तीन डंडी आप नीम की पत्ती ले लो, जैसी आपकी मर्जी हो, आपके हिसाब से नीम की पत्तियां आप लीजिए। फिर जामुन की पत्ती ले लीजिए, चार पांच पत्तियां जामुन की ले लीजिए। आपको जो मिलता हो, जब आप घूमते हैं मॉर्निंग वॉक में, तो आप पत्तियां खा लीजिए। जामुन की पत्ती ले लिया। फिर हमने कड़ी पत्ता ले लिया, यानी कि मीठी नीम भी बोलते हैं इसको, कड़ी पत्ता बोलते हैं, ठीक है। फिर ये अमरूद के पत्ते, अमरूद यानी कि पेरू गोवा, ठीक है, अमरूद के पत्ते ले लिए, दो पत्ते अमरूद के ले लिए। और आप घूमेंगे तो आपको बैर के पत्ते ही मिल जाएंगे, और बैर के पत्ते की पहचान ये देखिए, पीछे से वो हल्का ये रहता है, ब्राउन रहता है, और आगे से हरा रहता है, ठीक है, आगे से हरा और पीछे से ब्राउन होता है। तो बैर के पत्ते भी ले सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आपको जो मिल जाए। उसके बाद ये सदाबहार के फूल है, सदाबहार के पत्ते हैं और उसका ये फूल है, ठीक है, ये देखिए ये फूल है और सदाबहार के पत्ते हैं। तो चार पांच पत्ते सदाबहार के और आठ दस फूल जो मिल जाए आपको, वो फूल ले लीजिए आप। उसके बाद ये गुड़हल, ठीक है, गुड़हल के फूल, फूल को भी खा सकते हैं और उसके पत्ते को भी खा सकते हैं, ठीक है, ये देख लीजिए, गुड़हल के फूल और पत्ते खा सकते हैं। उसके बाद तुलसी, तुलसी जो भी आपको मिल जाए, ठीक है, श्यामा तुलसी, जो तुलसी आपको मिले। लोग बोलते हैं तुलसी चबा के नहीं खाते हैं तो थोड़ा दांत में तकलीफ, लेकिन आप पत्ते खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गुलाब, बहुत सुंदर होता है गुलाब, तो गुलाब के फूल भी आप खा सकते हैं, ठीक है, पत्तियां नहीं कहूँगा मैं, गुलाब के फूल आप खा सकते हैं। तो चलिए हम अपनी शुगर चेक करते हैं, और इस समय मैं थोड़ा टूर पे हूँ, बाहर हूँ, जिसकी वजह से मैं अपना दिखा नहीं पा रहा हूँ अपने घर का, तो वही हिसाब से मैं बाहर हूँ। आपको पत्ते का वीडियो था और कितना वीडियो बढ़ता, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं हमारी शुगर कितनी है, वही हिसाब से इसको बताते हैं, और वीडियो काफ़ी अच्छी बनने वाली है, वीडियो को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, और इसको मैं खा के दिखाऊंगा, और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है, ऐसा ना होए तो वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छी बनने वाली है। और मैं पूरा कच्चा, क्योंकि जब आप घूमते हैं कहीं जाते हैं तो घूमते रहिए, और इसके साथ में आप गिलोय के पत्ते, ठीक है, गिलोय के पत्ते, बाकी जो दूसरी चीज़ों के पत्ते मिलते हैं वो भी खा सकते हैं, खाने वाले पत्ते हों, जिसे फिर आपको सुबह शाम यदि आप करते हैं, ठीक है, देख लीजिए, और सुबह शाम यदि आप घूमते हैं तो हिसाब से अपने खाइएगा। 129 इसे मेरी शुगर कितनी है, 129, ठीक है, तो 129 मेरी शुगर है, 129 शुगर है। तो मैं खा के आपको दिखाता हूँ, और सारे पत्ते मैं कच्चे खाऊंगा, थोड़ा सा वीडियो रहेगा और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो शुरुआत बताइए जिसे करें, लास्ट में मीठा हो जाए। ये देखिए, सबसे पहले नीम के पत्ते ले लेता हूँ, और नीम के पत्ते ये देखिए, डंडी निकाल लीजिए, और देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तीनों डंडी है क्या, एक दो ऐसे पत्ती निकाल लीजिए और सीधा सीधा सो खाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप पत्ते खा सकते हो, खाते रहिए, फिर आप घूमते रहिए। इस तरह से आम के पत्ते होते हैं, ये सब मोड़ लीजिए, और मैं थोड़ा आपको हल्का खा के दिखाता हूँ पहले, ये देखो, इसको मिक्सर में पीस लीजिए पूरा डालकर, तो अब यही खा लेंगे। बाकी भाई मेरे को आदत है, मैं खाते रहता हूँ, और यदि आप ये सुबह शाम खाएंगे ना, आपकी शुगर कभी बढ़ेगी नहीं, एकदम। ऐसे होगा है, सेवगा के जो पत्ते हैं आप ऐसा निकाल लीजिए, ये देखिए पत्ते ऐसा निकल जाएंगे, और ये सेवगा पत्ते ऐसा ले लो आप, इसको खा लो, आराम से, पानी साथ में रखो, बोले मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, इसकी वजह थोड़ा सा उल लग रहा है।
इसी तरह से कड़ी पत्ता सबकी डंडिया से आप निकाल लीजिए। ये देखिए डंडी निकालने का और सीधा खाने का। जब कड़ी पत्ता आप खाएंगे पूरे बदन में आपको खुशबू फैल जाएगी, बहुत स्मेल होता है। फिर इस सदाबहार है, सदाबहार के पत्ते फूल आराम से खा लीजिए। घूमते घूमते आप खाएंगे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर तो तुलसी के पत्ते जी, ये फूल होता है जब आप घूमते कहीं मिलता है आपको फूल, बिंदास खाइए फूल। फूल कोई नुकसान नहीं करता किसी को भी। ओके, इसलिए मैं आपको खा के दिखा रहा हूँ कि ये खाया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर कादरवल्ली, डॉक्टर विश्व रॉय चौधरी सभी लोग बोलते हैं नेचुरल खाइए। तो नेचुरल कैसे खाएंगे इसे, क्योंकि डेली कोई आपको बना के देने वाला नहीं है। आप जंगल में घूमिए, वॉकिंग कीजिए, देखिए ये फूल है, फूल की पंखड़ियाँ तोड़िए, ये देखिए ये पंखड़ियाँ, और ये खा लिए कोई दिक्कत नहीं। ये बैर है, बैर हमेशा नहीं मिलेगी आपको, बैर के पत्ते तो यदि मिल जाए तो आप खा लीजिए। सदाबहार के पत्ते भाई, ये वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। कोई खा के आपको बताएगा नहीं कि ये कच्चा कैसे खाया जाता है। सब कहेंगे लाओ मिक्सर में पीसो, फिर कौन रोड मिक्सर में पीसने वाला आपका, नहीं सबके पास समय नहीं होता, लेकिन सब लोग वॉकिंग करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो मिक्सर में पीस सकता है आदमी। या लाओ घूमते रहिए और खाते रहिए, आप देखेंगे आपका हीमोग्लोबिन, ब्लड, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये आप मालूम है ना गुड़हल के, अमरूद के, लास्ट में बचे ये जामुन के, जामुन के पत्ते देख लीजिए। आप कहेंगे कि हम वॉकिंग करते हैं पानी हमको मिलेगा नहीं, लेकिन आपको फटाफट नहीं खाना उस समय, आप घूमते रहिए और खाते रहिए। ये देखिए ऐसे जामुन लीजिए, इसका आप चाय लाइए 5-10 पत्ते और इसको पानी उबाल के और पीजिए, बहुत अच्छी चाय बनती है, एक नंबर। अमरूद की, डोमेस्टिक की और जामुन के पत्ते की चाय बहुत अच्छी बनती है। भाई मेरा खाते खाते स्पीड कम हो गया, क्योंकि मुंह में भर गया। मुझे इसकी हैबिट है, वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। मैं ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। तो मुझे खा के 7:05 हो रहे हैं, ठीक है। मैं वीडियो ये आपको लगभग 9:05 में दिखाऊंगा। और जो मैं खा रहा हूँ इसमें पूरा चबा जाने का, क्या होगा फिर पूरे बॉडी में, ये रिपोर्ट अपना जो है 1 घंटा 2 घंटे में क्लियर कर देगा। और यदि आप खाली पेट इसको डेली बेस पे खाते हैं, आप वॉकिंग करने जाइए खाइए, घूम के आते हैं जैसे शाम को घूमने गए आप खाइए। ये मैं बोल रहा हूँ आपको किसी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं भाई। आपको नीम के पत्ते, जामुन के पत्ते, गिलोय के पत्ते,
आप जब अभी खाएंगे तो आपको ढिकर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लग गया आपका पेट भर गया है। तो हिसाब से वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं 2 घंटे बाद वापस रिपोर्ट दिखाता हूँ। बाकी मैं इसको खा लेता हूँ, 2 घंटे बाद देखता हूँ, क्योंकि मैं अभी फिलहाल टूर पे हूँ। आप देख रहे हैं सब मैंने खा के ख़त्म कर दिया, मैंने कोई वीडियो स्किप नहीं किया, ना ही मैंने वीडियो को फॉरवर्ड किया, आपके सामने पूरा खा के दिखाया है। ठीक है, देखते हैं 2 घंटे बाद क्या रिपोर्ट आता है। बस तो सारी पत्तियाँ खा के हमको 2 घंटे पूरे हो चुके हैं, 9 बज चुका है, 7 बजे हमने खाया था, 9 बज गया। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, बाकी इसमें कोई ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें सारी बहुत सी तरह की पत्तियाँ मिक्स थी, तो उस तरह से नहीं पता कर पाएंगे आप, क्योंकि हरी पत्तियाँ होती हैं। बाकी पत्ते जो होते हैं, पत्तों में एक तरह का प्रकाश संश्लेषण होकर पत्तों में, लोग बोलते हैं इसमें, देख लीजिए। ठीक, ₹124, और मेरी शुगर इसके पहले कितनी आई थी, 129। तो आप देख लीजिए, ज़्यादा शुगर मतलब घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है शुगर को। ऐसा नहीं कि आप पत्ते खा लेंगे या इस खाने से, लेकिन बॉडी के लिए बाकी टॉक्सिन्स जो होता है वो सब निकाल देता है, इस तरह से पत्ते खाने से काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं, ये देख लीजिएगा। बाकी वेरिएशन जो होता है ये 24 है, 34 भी आ सकता था, 120 भी आ सकता था, तो लेकिन पत्ते अभी खाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसका काफ़ी टाइम तक इसमें बॉडी में रहता है अपने ग्लूकोज। ठीक है, बाकी वीडियो लगी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।